नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में अपने कम्युनिटी टैब पर शेयर किया था कि आप किस कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वाला। तो मुझे एक जो कमेंट आया जो बहुत ज्यादा आया कि आईब्रोज को किस तरह से बढ़ाया जाए, आईब्रोज की ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर कर चुकी हूं, आज फिर उसे रिवाइंड कर देती हूं कि आईब्रोज को किस तरह से घना बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आईब्रोज को घना करने के लिए आपको कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है, आपको लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, कैस्टर ऑयल इस टाइप का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल की सिर्फ एक बोतल का यूज करना है हमको, ठीक है। सिर्फ एक बोतल का यूज करते करते ही आपकी आईब्रोज की ग्रोथ बढ़ जाएगी। किस तरह से यूज करना है, रात में सोते समय, जब भी आप सोते हैं रात में सोते समय अपने फेस को पहले वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद में अपनी फिंगर्स को, अपनी ये वाली फिंगर को कैस्टर ऑयल में डिप कीजिए, फिर आपको उसे अपनी आईब्रोज पर रब करना है। मतलब अपनी आईब्रोज पर आपको कैस्टर ऑयल की जेंटल मसाज करनी है लगभग 2 मिनट तक, ठीक है। मसाज बालों की जो ग्रोथ है उस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। बस इस तरह से आपको कैस्टर ऑयल की मसाज करना है 2 मिनट तक, और फिर इसे इसी तरह से लगे रहने दें और उसके बाद में आप सो जाएं। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है, पूरी एक बोतल का यूज करना है। ऐसा करने से आपकी आईब्रोज बहुत जल्दी घनी भी हो जाएगी, काली भी हो जाएगी। एक और रेमेडी है, उसमें आपको यूज करना है धनिये का रस, ठीक है। जो हरा धनिया होता है, ग्रीन कोरिएंडर, उसका यूज करना है। हरे धनिया का रस निकाल लीजिए, और जिस तरह से मैंने कैस्टर ऑयल का बताया उसी तरह से हरे धनिया का रस का यूज करना है। हरे धनिया के रस को अपनी आईब्रोज पर लगा लीजिए हल्का हल्का, और फिर उसकी जेंटल मसाज करनी है इस तरह से, ठीक है। बस इस तरह से आप मसाज करेंगे। ऐसा मसाज यूं नहीं करना है कि आप ऐसे 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 रगड़े, नहीं, सिर्फ इस तरह से जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है उस डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है लगभग 2 मिनट तक। फिर उसे ऐसे ही लगे रहने दें और नेक्स्ट डे अपने फेस को वॉश करें। दोनों ही रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप जैसी चाहते हैं उतनी घनी आपकी आईब्रोज हो जाएंगी। करके जरूर देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है, मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, एक और बात, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे ना तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।